रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट करा था, याद है ना, ग्राफिकली बोल सकते हो, इक्वेशन से भी। ऐसे एक वेक्टर था, यही ना था। इस वेक्टर, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू? वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इज इट? सो ऑब्वियसली दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दिस इज व्हाट? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इज इट? सो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विल गिव इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो कैप एंड दिस एरो विल गिव इट्स डायरेक्शन, इज इट? सो ए इज इट्स टेल एंड बी इज इट्स हेड। ए इफ ए इज इनिशियल पोजिशन देन बी इज फाइनल पोजिशन, इफ ए इज इनिशियल बी इज टर्मिनल पोजिशन, इज दैट? सो दिस इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। दिस इज सिंपली लेंथ, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इज इट? सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दैट और दैट, विच वन इज प्रेफरेबल? ऑब्वियसली दिस वन, इज इट? दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। So you should go with that, is it? Now, what are the types of vectors? Have I told you that? कुछ छोटा मोटा बात बोला था vectors का, कुछ type वगैरह बताया था क्या? कुछ types वगैरह नहीं बताया था? देखो ऐसे तो तुम लोग पढ़ लेना, मैं छोटा intro देकर के निकल जा रहा हूँ। Types of vectors में ना जो लगेगा मुझे कि उस पर discussion करना है तो मैं कर दूंगा। Types of vectors, पहला नाम सुने होंगे अगर आप लोग जानते होंगे, एक होता है zero vector। क्या होता है zero vector? इसी को कौन सा वेक्टर बोला जाता है? नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और व्हाट? नल वेक्टर। तो कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। ऑब्वियस है इसका कोई डायरेक्शन होगा क्या? कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका कितना जी बाबू? मैग्नीट्यूड कितना? जीरो। मतलब कोई वेक्टर शुरू हो रहा है, जैसे कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो, वैसे ए वेक्टर का हेड है, सॉरी ए वेक्टर का हेड है और ये क्या है? टेल। ये अगर ए माना हो और ए बी, तो ए क्या है? वेक्टर ए बी है। अगर जीरो वेक्टर है इसका मतलब हेड और टेल एक ही जगह कॉन्साइड कर रहा है ना। इस वेक्टर का हेड और टेल क्या एक ही जगह कॉन्साइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ए भी यहीं पे है और बी भी यहीं पे, ए बी दोनों आ गए तो क्या होगा? ए और बी दोनों एक ही जगह रहा तो कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। डायरेक्शन अनडिफाइंड, डायरेक्शन अनडिफाइंड, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। बता सकते हैं क्या आप इसका डायरेक्शन? नहीं बता सकते। एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जा सकता है क्या? इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। Is it? अब बोलो कहां पे जीरो वेक्टर नल वेक्टर? देखो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो वेक्टर ही ना होगा। तो कहीं कहीं अगर जैसे ऐसे लिखा रहा है, मान लेता हूं ये है इधर कोई पॉइंट है, इस पर इधर कोई पॉइंट पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आया उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, समझ रहे हो? ये E1 है और E2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड E है और इसका भी क्या है? मैग्नीट्यूड E। तो यहां पे जो रिजल्टेंट निकला E नेट वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जीरो वेक्टर से लिख देंगे। क्लियर है ना? जीरो वेक्टर नल वेक्टर का मतलब समझ आया? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो वेक्टर ही नहीं मिलेगा जी। तो फोर न्यूटन फोर्स में फोर न्यूटन घटाएंगे तो जीरो न्यूटन ही फोर्स ना आएगा, इज इट? इसलिए ऐसा लिखा जाता है। जल्दी जल्दी कीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा। डेफिनेशन तो नहीं लिखवाया जाएगा, ये सब याद रखिए छोटा मोटा चीज। अगर कोई वेक्टर एक ही लाइन के लॉन्ग, अगर वेक्टर्स एक ही लाइन के लॉन्ग है, मतलब वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो उसको लाइक वेक्टर्स बोलेंगे, और वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, मैं मान लेता हूं वेक्टर बी है,
और एक वेक्टर क्या है, सी है एक वेक्टर। तो आप खुद ब खुद बता सकते हो ना, ए और बी कौन सा वेक्टर हुआ, लाइक वेक्टर्स, बी और सी कौन सा वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स। याद रखना यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी आर व्हाट, लाइक वेक्टर्स, एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। एंड व्हाट अबाउट बी एंड सी, बी एंड सी आर अनलाइक, इज इट, इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दैट, गॉट इट। लाइक वेक्टर्स क्या, जिसका डायरेक्शन सेम होगा लाइक वेक्टर्स कहलाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा अनलाइक वेक्टर्स कहलाएगा। क्लियर है, गुड। देखो को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स याद रखना, जब भी वेक्टर्स एक ही जगह से ओरिजिनेट हो, जो इतने भी वेक्टर्स हैं, अगर वेक्टर्स एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे एक ही पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ, इधर भी, ये सारे कैसे वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। कोई दिक्कत, को इनिशियल वेक्टर्स में टेल्स क्या होगा, कॉइंसाइड कर रहा होगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद आता है को प्लानर वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर, को प्लानर वेक्टर्स, केवल नाम सुना दे रहा हूं। याद करना हमेशा, कभी भी एक प्लेन में अगर वेक्टर्स लाइक कर रहा है, जितने भी वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाइक कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, को प्लेन। एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन, अब फिक्स्ड प्लेन, और इस ई प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। जैसे वेक्टर ए हो गया, क्या है, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, एक कौन सा वेक्टर है, सारे को प्लेनर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स। अच्छा याद रखना हमेशा, अगर एक ही प्लेन में दो लाइन रहेगा तो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा ना, लेकिन आप ऐसे बता सकते हो कोई ऐसा लाइन जो नहीं पैरेलल हो, नहीं इंटरसेक्टिंग हो, मतलब कोई एक ऐसा लाइन का सीट बताओ जो नहीं पैरेलल हो, नहीं इंटरसेक्टिंग होगा, ऑब्वियसली वो प्लेन एक ही प्लेन में नहीं लाई करेगा ना। जो दो, कोई भी दो लाइन जो नहीं पैरेलल है, नहीं इंटरसेक्टिंग हो, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा है। दे लाइन डिफरेंट प्लेन्स, दे लाइन डिफरेंट प्लेन्स, ऑब्वियसली दीज टू लाइन्स आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, इज इट। लेकिन अगर बोलो कि एक ही प्लेन में पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन तो स्केच कर दोगे, और लाइन का डिफरेंट प्लेन तो होता नहीं ना है जी, तो कोई भी दो लाइन अगर एक ही प्लेन में स्केच करो, वो जरूर इंटरसेक्ट करेगा। व्हाई इट सो, बिकॉज लाइन डज नॉट हैव डिफरेंट, लाइन डज नॉट हैव इन पॉइंट्स, लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव डेफिनेट लेंथ, इज इट। कोप्लेनर वेक्टर समझ में आया ना, जितने भी वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर्स। गुड। फिफ्थ, पैरेलल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है ना, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होगा, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, सेम होगा, देख रहे हो, ये सब क्या है, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है। लाइन ऑफ सपोर्ट सेम बोलने का मतलब लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो सकता है, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, पैरेलल, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट यही ना है, तो क्या हो गया बताइए, सब पैरेलल है लाइन ऑफ सपोर्ट, तो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, अगर इसी में अगर आगे लाइन ऑफ सपोर्ट में ही अगर ऐसा चला गया, तो ये सब भी पैरेलल ही वेक्टर्स है, क्या है, पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं, ये इधर चला गया तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ए और बी पैरेलल हो गया, तो बी और सी क्या हो गया जी, एंटी पैरेलल। ये सब बात पता चलता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। देयर इज नथिंग टू पुट सो मेनी प्रेशर इन योर हेड, आप जितना आसानी से समझो उतना अच्छा है ना, कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ बढ़ना है, केवल समझ बढ़ा क्लियर हो जाएगा। सिक्स, बताइए जरा, ऐसा पैरेलल वेक्टर समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एंटी पैरेलल समझ में आ गया, एक चर्चा करेगा कोलिनियर वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। तो याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स में लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही रहा, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, एक ही होगा। कोलिनियर का मतलब ही होता है क्या, हर एक पॉइंट क्या होगा, मैच कर रहा होगा दोनों वेक्टर्स। वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, हाउ मेनी लाइन, हाउ मेनी पॉइंट्स डज लाई ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट कितने लाइन पॉइंट लाई करेगा जी, इनफाइनाइट। तो सारे पॉइंट क्या होगा, कोइंसिडेंस होगा। तो अगर मैं बोल सकता हूं, जैसे वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, और इसी के लोग एक वेक्टर बी चला गया, तो क्या है, कोलिनियर वेक्टर हो गया, क्योंकि ए वेक्टर पे भी बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ना, इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ना जी, तो
तो सारे पॉइंट कौन साइड मतलब कौन साइड करेगा, इसका सारा उस पे जाएगा। और याद ही है मैं बोला भी हूँ आप लोग, वेक्टर इज मेड टू ट्रांसलेट पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम लोग के फिजिक्स में अभी 12 जो पढ़ रहे हो आप लोग के सिलेबस तक फिजिक्स को हम लोग ट्रांसलेट पैरेलली करा सकते हैं, इज इट। अच्छा अब बताओ बी और सी क्या है, तो ए भी क्या है, बी और सी भी क्या है, कॉलिनियर है। ए बी भी कॉलिनियर है, बी सी भी कॉलिनियर है, मतलब ए बी सी सारे क्या होंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स हो गए। कोई दिक्कत इसमें, कॉपी की बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज व्हाट यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, मतलब पूरा यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। आप बताइए यूनिट वेक्टर, बताइए जरा, मैं बोला था ना वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टली लाइन सेगमेंट, इज इट। ए इज इट्स इनिशियल पोजिशन एंड बी इज इट्स टर्मिनल पोजिशन, इज इट। दिस इज अ वेक्टर ए बी, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, That is what AB, याद है ना मैं लिखना सिखाया था कि इसके साथ मत जाना, मैं बार बार अभी A लिखूंगा, लेकिन थोड़ा A लिखता है तो लोगों को लगता है कि लगता है वेक्टर इनको आता है, और A लिखोगे तो लगता है गरीब आदमी, हाथ तंग है इसका, तो कभी ये यूज करे उससे डरना नहीं है, इसके जगह ये लिखना प्रेफर करो आप, ठीक है। तो अगर सोचो यूनिट वेक्टर निकालने, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब बताओ इसका कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोल देंगे, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या रह गया, तो याद रखना है हमेशा यूनिट वेक्टर कभी भी वेक्टर आता है तो दो चीज के साथ आता है ना, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। मैग्नीट्यूड भले ही 1 रहा, किसी में भी मल्टीप्लाई करो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्शन तो दे देगा ना जी। मान लेते हैं आप कहीं रास्ते पे खड़ा हो, आप मान लेते हैं यहां से हाईवे पे खड़े हो 10 किलोमीटर पे जाकर के कोई पूछा कि एक पार्टिकुलर पॉइंट का नाम लिया, पार्टिकुलर जगह का नाम लिया, यहाँ से 10 किलोमीटर स्टेट रोड के पे जो रोड गया है उसी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस तो जगह है, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए वो पार्टिकुलर जगह का नाम पूछ करके कि किधर है, तो क्या बोलोगे आप, बोलने के लिए कोई जरूरी है कि पहले रुको 10 मीटर का डंडा मंगाएंगे फिर बोलेंगे देखो इधर है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना इधर है, अरे इधर है, ऐसे बोलते तो आएगी नहीं, तो ये भी क्या काम कर रहा है, डायरेक्शन ही ना बता रहा है। तो याद रखना यूनिट वेक्टर का कुछ खास रोल नहीं है, जिसमें भी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन दे देगा वो, तो याद रखना यूनिट वेक्टर जस्ट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, इज इट। कहीं पे भी आप करो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसमें डाल दो यूनिट का वेक्टर, यूनिट वेक्टर डाल दोगे तो क्या देगा डायरेक्शन। तो याद रखना यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका काम क्या है, इट जस्ट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो आप सोचिए अगर वेक्टर ए बी है, तो अगर मैं लिखना चाह रहा हूं यूनिट वेक्टर एक लॉन्ग ए बी, यूनिट वेक्टर अलोंग एबी, तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर अलोंग एबी अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई वेक्टर एबी यही ना है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, समझ में आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्ट अलोंग एबी, कभी भी लिखना पड़ेगा तो एबी पे वेक्टर का नोटेशन हटा के कैप चढ़ा दो, ए रिप्रेजेंट ही करा गया है, इसका मतलब ही होता है कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ए बी कैप क्या हो गया बाबू, ए बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इज इट। कोई प्रॉब्लम, अरे कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स था इधर, इसके अंदर 10 न्यूटन का फोर्स था, 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सेंटीमीटर लेते थे हम लोग, याद है मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 10 न्यूटन को डिवाइड कर दोगे 10 से तो 1 न्यूटन बचेगा ना जी, वो यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं, उसको 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूं ये पूरा जो लेंथ जो है AB का जो लेंथ है वो कितना हमने कंसिडर करा 10 सेंटीमीटर समझाने के लिए, तो अगर यूनिट वेक्टर अगर इधर रिप्रेजेंट करोगे AB कैप, देख रहे हो AB कैप, तो ये क्या होगा AB वेक्टर अपॉन AB, अरे यही ना, तो ये कितना से रिप्रेजेंट करोगे बाबू, 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, कब, जब ए बी अगर 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तब, तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, ये 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ में आया।
तो कभी भी इसका सबसे अप्रोप्रिएट लिखने का तरीका है, कभी भी अगर यूज करोगे तो आप बहुत सिंपली ऐसे लिखिए, क्या लिखिएगा, ए बी जो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर है बाबू, ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो बताओ ये क्या है, इसको ए बी से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी है ना, ए बी क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और इसको ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं, तो ए इसका क्या दिया, ए वाला क्या दे रहा है इसका, इस वेक्टर का ए बी क्या दिया जी, मैग्नीट्यूड, क्या दिया, मैग्नीट्यूड। और ए बी जो जो रहा है ए वाला, ए बी कैप क्या दिया, ये डायरेक्शन, क्या दिया, ये डायरेक्शन। समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत, तो इससे याद रखना यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे बाबू, यूनिट वेक्टर, आपको अगर कोई पूछे यूनिट वेक्टर क्या है, याद रखना वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, अगर कभी भी बोल दे इसका काम क्या रहा तो याद रखना, इट जस्ट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, स्पेसिफाइज द डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम, कभी भी अगर पूछे तो क्या हो गया, कोई भी वेक्टर अगर लिखना है, आप जैसे यहां पे लिखे हो, यहां पे कोई ले लिया हमने, ए वेक्टर लिया, इसके अलावा यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे, ए कैप, ए कैप, ए कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग ए, तो क्या हो गया, वेक्टर ए को हमने किससे डिवाइड करा जी, इसके मैग्नीट्यूड से, याद रहेगा ना। जैसे सोचो एग्जांपल के तौर पे बोल देगा कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो बी के अलोंग हो, ये वेक्टर बी है, कोई एक ऐसा वेक्टर बताइए जो बी के अलोंग हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 10 यूनिट हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 10 यूनिट हो, तो आप क्या करोगे, कोई एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका डायरेक्शन बी के अलोंग हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, 10 यूनिट होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या लिख दीजिएगा बाबू, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी व्हाट, मैग्नीट्यूड क्या, 10 यूनिट, आप किसके अलोंग डायरेक्टेड हो, बी के अलोंग, तो क्या करोगे, बी कैप। नहीं समझ आया, अरे कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, अच्छा इसको कॉपी कीजिए फिर बात करते हैं। जैसे अगर बात करो मैप, हम लोग जो मैपिंग करते हैं याद रखो उसमें क्या होता है, यही ना है जी, हम लोग सिस्टम माने हुए हैं, बताइए जरा एक कौन सा है जी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद है ये डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, अरे ढोंढ लोग एकदम गजब लड़का हो यार तुम लोग, इसको ईस्ट बोलते हैं ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुम लोग जो हो ना एकदम अप्रोच के साथ, याद रखना ऐसे, ये वाला याद रखा होगा क्या, वाह वाह, ये याद रखे हो, जी न्यूज लिखता था जी न्यूज, अरे यार ये एन, ये क्या ई, ए डब्लू और एस, न्यूज हो गया ना, तो वो सब बेकार की बातें हैं, वो सब बोल देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, टीचर बोलता है थोड़ा सुनता है लोग, अरे वाह न्यूज भी देखते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप इसको याद रखो, क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और ये साउथ, समझ रहे हो ना, इसमें इसमें अगर डायरेक्शन अगर पेट करना है, अगर कोई बोल दे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, दो चीज मैं समझा रहा हूं ध्यान देना, ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये क्या है हमारा, वेस्ट है, और ये क्या है हमारा, नॉर्थ, और ये क्या है आपका, साउथ। कोई प्रॉब्लम, तो आप अगर सोचोगे जरा यहाँ पे, जैसे हमने एक यही डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन बताना है जरा, जैसे ए ईस्ट हो गया पता ही चला है आपको, ये वेस्ट है ही, ये नॉर्थ है ही, और ये क्या है, साउथ, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ओरिजिन ले लिया। आप बताइए जरा, अगर मैं बोलूँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताइए, तो जरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये डायरेक्ट ऐसे यहां से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, और यहां से भी 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन हो गया जी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, कोई दिक्कत है क्या। अगर कोई बोलेगा बताइए, बोल देगा साउथ वेस्ट बताइए, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बताने के लिए क्या करेगा वो, देखो साउथ वेस्ट यहां से 45 डिग्री बनाएगा ना, और अगर कोई बोल देगा नॉर्थ वेस्ट बोल देगा तो नॉर्थ वेस्ट बोल देगा, नॉर्थ वेस्ट बोल देगा तो क्या करेगा ये, यहां से क्या करेगा ये जी, यहां से कितना डायरेक्शन एंगल, 45 डिग्री, और यहां से कितना एंगल लेगा, 45 डिग्री, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम,
लेकिन अगर ए बोले जरा कि इस डायरेक्शन को बताइए तो जरा ये डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो यहीं पे जाकर के गड़बड़ होता है ना, बहुत गड़बड़ होगा, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। आता सब चीज है आपको, लेकिन छोटा सा चीज नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको कैसे डायरेक्शन प्रेडिक्ट करोगे, तो ध्यान देना जरा, सीखना जो सिखलाया जा रहा उसी को ध्यान दो जरा। ये क्या है आपका, पहले ही ईस्ट बोल चुके हो, ये क्या है, वेस्ट है। और ये भी कन्वेंशन एडॉप्टेड है बाबू, ये क्या है, कन्वेंशन जो हम लोग एडॉप्ट किए हैं, जो बता रहा है सिस्टम चल रहा है वो इसी को फॉलो किया। जैसे ये डायरेक्शन था, क्या था ये डायरेक्शन था, अरे यही है ना बाबू लोग, ये क्या है, ये डायरेक्शन को हम लोग प्रेडिक्ट करना है। यहां से कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। बताइए 30 डिग्री किससे एंगल बनाया है ये, और किधर जा रहा था, इसका डायरेक्शन का नाम लिखिए कैसे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ व्हाट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट इसलिए लिखा गया कि किससे एंगल बना रहा है वो, ईस्ट से। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। अगर कभी कोई बोल देगा ऐसे ऐसे बोल दिया, चलो ऐसे बोल दिया, बोलो ये 37 डिग्री ले दिया, अब डायरेक्शन बताएगा, बोलेगा 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 बोलेगा, आर्यन बोलेगा बताओ कि कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा बाबू, मैं रोना शुरू कर दूंगा। बचपन में जाता था घर, टॉफी पीने रोल करना शुरू कर देता, तो बच्चा लोग देखे वो, एक बच्चा को भी मिला वहां पे, वो बोल रहा है कि टॉफी खरीद दीजिए, नहीं तो टॉफी नहीं खरीदी उसकी माँ तो सीधे सर पटने लगे दीवार पे। तुम लोगों के साथ ऐसे ही करना होगा, डमरू के फादर। इतना समझाया नहीं समझाया, किससे एंगल बना रहा है आर्यन बाबू, साउथ से, तो ऑफ साउथ तो हो ही गया, किधर जा रहा है तो लिख देंगे ना बाबू, ये क्या हो गया, 37 डिग्री ईस्ट, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अल्लू अर्जुन जैसा मारेंगे ना, उड़ी जाओगे ना, देखते हो कि नहीं, अल्लू अर्जुन मारता है तो दिखता भी, लेकिन धनुष जब मारता है तो समझ नहीं आता वो कैसे मार लेता है। धनुष का नाम सुने हो, वो मारता है फिर भी उड़ जाता है, खुद उसके पास है ताकत उतना, फिर भी मारता है, देखते 4-5 आदमी उड़ जाता है। चलो हो गया क्लियर ना, अब कर लोगे ना सब, डमरू के फादर। चलिए ये ईस्ट है हमारा, ये क्या है, वेस्ट है हमारा। एक डायरेक्शन और बताइए फिर मैं चलूंगा, नॉर्थ और ये क्या है, साउथ, अरे ओरिजिन है ना। चलो बताओ बाबू, ये कौन सा डायरेक्शन है, सोच करके बोलना। बोल दी ना, गजब बोली, एकदम मानना पड़ेगा, मतलब तू जैसे चलना सिखाएगा मैं वैसे नहीं चलूंगी, मुझे अपने वे में चलना होगा, यही दिमाग में इनका बैठा है ना बाबू। बिल्कुल सही बोली, बहुत अच्छी बोली। चलो ठीक है, ये इन्होंने क्या बोला, 37 डिग्री। अबे 37 डिग्री क्यों कंसिडर करूंगा, 53 डिग्री कंसिडर कर ली, क्या कंसिडर की, 53 डिग्री। तो इस डायरेक्शन को ये बोली क्या, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बिल्कुल सही बोली। या फिर क्या बोल सकती थी इसको, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, बिल्कुल सही थी ना। तो क्या हो गया, इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, पहला एक तो 37 डिग्री कौन सा बाबू, साउथ, 37 डिग्री साउथ ऑफ व्हाट, ईस्ट, इज इट, इधर से भी 37, ऑब्वियस है एंगल बिटवीन दिस टू, ईस्ट और साउथ के बीच कितना एंगल होगा जी, 90 डिग्री। तो 37 तो 53 डिग्री ना, या फिर क्या बोल सकते इसको, 53 डिग्री, बोलो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, जैसे अगर कोई भी होगा इस तरह का तो इसमें कमांड हो गया ना जी, अब कुछ बोल लोगे ना, बोलो यहां पे ले लिया 25 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 65 डिग्री नॉर्थ ऑफ, इज इट, गुड, कॉपी करो। हम लोग का 3D सिस्टम है ना, याद है ना कैसा सिस्टम है हम लोग का, 3D सिस्टम, देखो ध्यान देना जरा, देखो दिखा नहीं सकता हूं, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, जैसे देख सकते हो ना इस रूम का कॉर्नर, एक इधर और एक इधर, कोई दिक्कत, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इसको कौन सा एक्सेस मान रहा हूं, एक्स एक्सेस,
और ये वाला कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। और वो वाला क्या? जेड एक्सिस। राइट हैंड है आपके पास, एक से वाई के एलोंग कर्ल करो, जो परपेंडिकुलर बनेगा उसको जेड एक्सिस मानना, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, सहूलियत मिलेगा। मैं बोला एक्स एक्सिस उधर, ये क्या वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। बात समझ में आया? फिर से रिपीट करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? तो बताइए एक्स एक्सिस ये रहा, अरे बाहर की ओर, वाई एक्सिस ये रहा और जेड एक्सिस ये रहा कि नहीं रहा? अरे कोई दिक्कत है, सोचो। क्लियर है? मान लेते हो उस फैन तक, सॉरी ये प्रोजेक्टर तक पहुंचना है, तो प्रोजेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या तरीका अपनाओगे? बस प्रोजेक्टर तक पहुंचना है जरूर, लेकिन आपको प्लेन में ही चलना है। किसमें चलना है? प्लेन के अलोंग ही चलना है, और तीनों प्लेन को टच करना है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है कि आपको एज के अलोंग चलना है। हमेशा एज के अलोंग चलो या एज के पैरेलल चलना है आपको? हमेशा एज के अलोंग या एज के पैरेलल चलना है, इस फैन तक पहुंचना है। फिर से रिपीट करूं, इस फैन तक पहुंचने या तो एज के अलोंग चलो या तो एज के पैरेलल चलोगे, मतलब एक्सिस के या तो पैरेलल रहना है या तो एक्सिस के अलोंग, इज इट? तो वहां पहुंचने के लिए क्या तरीका होगा आपका? पहले यहां से वहां जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग चला, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चला, फिर ऊपर नहीं चला जाएगा तो वहां पहुंच नहीं जाएगा जी। नहीं समझ रहा है? एक बंदर है वहां पे बैठा हुआ, बंदर तक पहुंचना है तो क्या है आपको? एक एक्सिस के पैरेलल चलना है, एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग चला, यहां चला वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस मान रखे हो ना, और ये वाला कौन सा? जेड। तो ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंच? अब बताओ तो उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? हाँ गुड, कितना डिस्टेंस होगा बता सकते हो? चलो तुम्हारे लिए क्लियर कर देता हूं, थोड़ा और ज्यादा इजी कर देता हूं। ए थ्री लिया, एक्स स्केल 3 मीटर चला, वाई एक्स स्केल 4 मीटर चला, एक्स स्केल 3 मीटर चला, वाई एक्स स्केल 4 मीटर चला, जेड एक्स स्केल 5 मीटर चला, एक्स एक्सिस के क्या वो पॉइंट पहुंचा ना जी, वो प्रोजेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस? अरे वही ना एक्स एक्सिस है, ए वाला ना होगा जी, यही ना डिस्टेंस होगा। तो ए वाला 5 और ए वाला 4, तो 5 प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं समझ में? एक्स एक्सिस से वही ना डिस्टेंस होगा जी, एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस लाइन पे खींचना है तो इस पॉइंट से एक लाइन ऐसा स्केच करो जो एक्स एक्सिस की है, उस एक्सिस की है, उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर स्केच करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही ना होगा? अब आप बताइए तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस हुआ इसका? वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका जी? ए वाला, यही ना वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से ए वाला डिस्टेंस होगा कि नहीं? तो ए वाला कितना? अरे ओ वही ना, 3 होगा ए, ऐसे क्या देख रहे हो? ए 3 होगा कि नहीं? और ए वाला कितना? 5। तो ए वाला 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट नहीं हो जाएगा? बात नहीं समझ में आया? अब जेड एक्सिस से बताइए तो ए वाला डिस्टेंस होगा जेड एक्सिस से जी, बताइए कितना डिस्टेंस हो गया जेड एक्सिस से? ये कैसे? यहां से ए वाला, जो ए वाला डिस्टेंस होगा वही ना ए वाला डिस्टेंस होगा जी। तो बताइए ए वाला डिस्टेंस कितना? ए वाला कितना? ए वाला कितना? ए वाला कितना? नहीं समझ में आया? आप कितना प्लेन? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मेरा क्या जाता? चलो तो एक्स एक्सिस के लोग कितना चला? एक्स एक्सिस के लोग मैं यहाँ पे बोल ही देता, एक्स एक्सिस के लोग कितना चला? ए यूनिट। कितना चला? ए यूनिट, यहां से चला एक्स एक्सिस कितना? ए, ऐसे ऐसे। यहां से फिर किधर चला? बी यूनिट चला, किधर? वाई एक्सिस के लोग। क्लियर है? अब फिर एक्स एक्सिस के लोग कितना चला जी? ए यूनिट। कितना चला है? ए यूनिट। वाई एक्सिस के लोग कितना चला? वाई एक्सिस के लोग कितना चला? ये वाला, यही ना वाई एक्सिस के लोग रहेगा। अगर तुम लोग को और फील लाना है तो लाओ ना, मैं 3D बना सकता हूँ पिक्चर, मुझे आता है। ये क्या हो गया? ए वाला बी यूनिट, इसका मतलब क्या है जी? ए वाला भी बी यूनिट होगा कि नहीं यहां से यहाँ? और ऊपर कितना चला? सी यूनिट। प्रोजेक्टर तक पहुंचना था ना हम लोग को, तो ये क्या हो गया? सी। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बाबू बताइए? ए कोमा बी कोमा सी। बात समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? ए यूनिट किसके अलोंग चला है? बी यूनिट किसके अलोंग चला है?
और जेड सी यूनिट किसके अलोंग चला है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभी जस्ट समझाया ना, एक्स एक्सिस से यही ना डिस्टेंस हो जाएगा जी, एक्स एक्सिस से क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नॉट, कोई दिक्कत, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिमाग में बैठ गया ना, एक्स एक्सिस से पूछा तो डेवलप करना एक बार टेक्निक, ये तो वहां जाकर के नहीं सोचते, यहीं सोचोगे ना, एक बार बैठ के व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला काय कर दो तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया कि नहीं, अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला गैप कर दो वाई कोऑर्डिनेट तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया कि नहीं, जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो कौन वाला गैप करोगे, कौन वाला गैप करोगे जी, जेड वाला, सी गैप कर दो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अब इसी तरह का कुछ कुछ क्वेश्चन मुझसेगा, वहां जाकर के सोचते रह जाओगे, बहुत लोगों को तो ये दिमाग में आता है ए बी सी, अरे नहीं रे ढोंडू, ए यूनिट क्या है इसका बताइए, ए क्या है इस पॉइंट का, ए यूनिट जो बोलोगे ए क्या है, आपसे अगर मैं पूछूं ए है क्या, जेड एक्स से डिस्टेंस, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस, आप देखिए अगर ए वाला बोला था इसको एक्स बोला था इसको वाई बोला था इसको क्या बोला था जी, जेड बोला था कि नहीं, तो इस प्रोजेक्टर का यहां से यहां जो फाइव जो है फाइव यूनिट जो कंसीडर कर रहा था वो क्या था, इस प्लेन से ना डिस्टेंस था, ए वाला कौन सा प्लेन, एक्स और वाई, तो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन क्या रहा, ए वाला रहा था कि नहीं, बात समझ में आया, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए कोमा बी कोमा सी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सजेड प्लेन, तो एक्सजेड प्लेन से क्या सी, नहीं हो गया सी, अरे हुआ कि नहीं जी, तो यहां पे भी एक अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, एग्जिट प्लेन से अच्छा डिस्टेंस पूछा है तो क्या एग्जिट प्लेन से पूछा है, सॉरी एक्स वाई प्लेन से पूछा है, सॉरी एक्स वाई प्लेन से पूछा है, एक्स वाई प्लेन से पूछा है तो जेड छूट रहा है ना जेड, तो सी हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वाई जेड से कितना ए ए यूनिट, वाई वाई जेड से कितना, वाई जेड प्लेन से कितना ए यूनिट, जेड एक्स से कितना बी यूनिट, बात समझ में आया कि नहीं, डेवलप करना है, बात समझ में आया कि नहीं, अब बोलो समझ में आया कि फिर से अच्छे से समझाऊं, कोई दिक्कत, प्रिंस को लगता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, हुआ ना, बोलो ना, हुआ, वेरी गुड, चलो देखो ध्यान, देखो तुम लोग को फील लाने के लिए मान लेता हूं, जैसे रंजन बाबू है, रंजन को ससुराल से बॉक्स मिला है एक, ये हमने क्या कंसिडर करा है, एक्स एक्सिस, कौन सा कंसिडर करे हुए हम लोग, एक्स एक्सिस, यही ना एक्स एक्सिस माने हुए हम लोग, है ना, ये क्या है वाई माने हो और क्या है जेड, एक बॉक्स मिला रंजन को ससुराल से, इसी कॉर्नर में इसी रूम में आए हुए और शिफ्ट कर दिए इधर, ऐसे रख दिए बॉक्स, बॉक्स किस शेप का, हंसो मत, शादी के नाम से खुश हो जाता है लड़का, कोऑर्डिनेट ए कोमा बी कोमा सी, अरे लेंथ ब्रेथ हाइट ही ना होता है बॉक्स का जी, तो आया मान लेता हूं ऐसे, चलो एक ले ही लेता हूं ऐसे, रंजन का ससुराल का बॉक्स इस तरह का है, दिखा ऐसा कॉर्नर में रख दिया गया, बॉक्स किस शेप का है जी बाबू, क्यूबॉइड, किस शेप का है क्यूबॉइड, इज इट, मैं मान लेता हूं इसका लेंथ, देखो ये देखो देखो ये वाला जो है ये वाला लेंथ जो है यहां से यहां ए ए यूनिट है, कितना है ए, और यहां से यहां जो है यहां से यहां देख रहे हो इसका लेंथ कितना है B यूनिट, और एक कितना है यहां से यहां, कहां से कहां जी बाबू, यहां से यहां देख रहे हो, ये जो है कितना यूनिट है ये C यूनिट, कोई प्रॉब्लम बताइए, इसी पॉइंट का ना हम लोग बात कर रहे हैं जी, बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, एक्स एक्सिस पे वाई जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, हम लोग को दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या बाबू, समझ में नहीं आया पिक्चर, एक्स एक्सिस पे वाई एक्स एक्सिस पे अगर बात करो तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, वाई एक्सिस पे अगर बात करोगे तो
एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होगा, और जेड एक्सिस पे बात करोगे तो कोई दिक्कत है। तो अगर आप बात करें, जैसे मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हाउ मेनी वर्टिसेस डज अ क्यूबॉइड हैव, ऑब्वियसली सिक्स, सिक्स ना, हे भगवान, एट फेसेस, एट वर्टिसेस ना होंगे जी, हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूबॉइड हैव, सिक्स फेसेस, बट हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव, एट वर्टिसेस। इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है ना बाबू, ए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा कि नहीं, ए कोमा जीरो कोमा जीरो। अब इसलिए ये दिया जा रहा है कि कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन कहीं पे भी डाल सकता है। अब इसका बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, जीरो कोमा बी कोमा जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, जीरो कोमा जीरो कोमा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, अब बताइए तो जरा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, किस प्लेन में लाई कर रहा है जी, वाई जेड प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो जीरो कोमा बी कोमा सी होगा कि नहीं। अब बताओ ये पॉइंट किस प्लेन में लाई कर रहा है बाबू, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो, तो ए कोमा बी कोमा जीरो, और ए वाला पॉइंट किस, ए पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सॉरी किस प्लेन, ए पॉइंट किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो ए कोमा जीरो कोमा ए कोमा जीरो कोमा। अब बताइए ए किसी प्लेन में लाई कर रहा है क्या, अरे बाबू ला करके उनका बॉक्स रखा गया है, देखो ए वाला कॉर्नर भी तो टच करेगा, ए वाला कॉर्नर भी, एक यही कॉर्नर हो जो टच नहीं करेगा किसी प्लेन में ना, दिस इज द पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई इन अ प्लेन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया P, इसी को ना बोले हम लोग ए कोमा बी कोमा सी, लगता है नहीं समझ में आया, आप बताइए खुद ए पॉइंट किस प्लेन में लाई कर रहा है, पॉइंट लाइंग इन, लाइंग इन कौन सा प्लेन बाबू, एक वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, ए पॉइंट किस, एक किस पॉइंट मतलब किस प्लेन में लाई कर रहा है, पॉइंट लाइंग इन, लाइंग इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, गुड वेरी गुड, और ये बताइए किस प्लेन में लाई कर रहा होगा, पॉइंट लाइंग इन एग्जिट प्लेन, कोई प्रॉब्लम बाबू, अब ए पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाइंग ऑन जेड एक्सिस, दिस इज द पॉइंट इन स्पेस इज इट, ये किसी प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, हम लोग इसी पॉइंट पी को ना बात कर रहे हैं यहाँ पे, वही पॉइंट पी ना है, बात समझ में आया, तो आप खुद अब बता सकते हैं कि नहीं बाबू, यहां से बताओ कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस, ये वाला देखो क्या है, सी है कि नहीं, कोई दिक्कत, अब बताइए अगर पूछा जाए पॉइंट इससे कितना डिस्टेंस, ए वाला वाई जेड प्लेन से कितना, ए है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, अब बताओ इससे एग्जिट प्लेन से कितना, एग्जिट प्लेन से कितना, यही वाला ना, ये बी है, ये भी बी, ये भी तो बी ना है, ओ बी तो ये भी बी, और ए वाला ये तो ये भी ना ए, और ए वाला कितना है सी, तो ए भी क्या सी, देख लो बात समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत, तो यहां वहां नहीं जाकर के सोचना, वहां जाकर के नहीं सोचना है, आपको यही पहले से सोच करके रख लेना है, याद रहेगा ना, बताइए जरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, अब पी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी कोमा सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पहला फ्रॉम एक्स एक्सिस बताइए, फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओ बाबू, अब तो समझ में आया ना, एक्स एक्सिस कितना होगा डिस्टेंस बताइए, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब रटना चाहो तो रट भी सकते हो, एक्स एक्सिस से पूछा है, एक्स वाला मिसिंग कर दो कोई दिक्कत, बताइए फ्रॉम वाई एक्सिस अंडर रूट सी स्क्वायर, बात समझ में आया कि नहीं, थर्ड, अब वाई वाला था तो वाई मिसिंग कर दिए ना ए कोमा सी, अब बोला जाए फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस बताइए, नहीं समझ में आ रहा है क्या यार आप लोगों को, क्या बोलो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वही चीज बोलूंगा, सुने हो ना तुम बिन का एक गाना है? नहीं सुने हो? जगजीत सिंह का बहुत अच्छा गजल है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है बस मैं आपका साथ देने आया। तो ध्यान से पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एनालिसिस करके पहले ही से विजुअलाइज करके रखो वहां पे, इसी सब में टाइम बर्बाद होता है ना। अभी पूछ देगा तो लोग क्या, मैं ज्यादा तर्क बोल रहा हूँ कि इसमें एरर रहता है, गलत करके आता है, क्योंकि इजी चीज जरूरत से ज्यादा इजी हो गया, लेकिन फील करना वहां पर जाकर के रूम को देखते रहोगे इधर तो फिर समझ रहे हो, ऐसे ऐसे देखो तो क्लासरूम में बैठ करके वहां एग्जाम हॉल में, समझ में आ रहा है ना? तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रहेगा। अब इसको कोई दिक्कत है इसमें, अब बताइए इसमें बी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बताओ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए कोमा बी कोमा सी, पहला बताइए जरा, फ्रॉम एक्स जेड, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन बताइए बाबू, प्रिंस बताएंगे, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, पता चला ना? अभी भी एक्स वाई प्लेन है, यही ना डिस्टेंस है जी, तो मिस कर दो एक्स वाई, ए बी खत्म ना, तो क्या हो जाएगा सी। सेकेंड, फ्रॉम वाई जेड प्लेन बताइए ए, गुड। थर्ड, फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, कोई प्रॉब्लम? कॉपी कर लो। बताओ तो एक क्यूबोर्ड में सबसे बड़ा लेंथ का रॉड रखा रखना चाह रहा हूं मैं, एक क्यूबोर्ड में सबसे बड़ा लेंथ का, इस रूम में मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ा लेंथ का रॉड रखा जाए, तो सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा, पता चल रहा है? इससे ओ, यही ना होगा? तो कभी भी अगर पूछेगा तो यहां से यहां यही ना लेंथ सबसे बड़ा हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद रहा ना? यहां से वाला लेंथ क्या होगा, देखो वो ए था ए बी था, ए वाला डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, वो सी रहा, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा होगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। बहुत छोटा सा चीज है, कॉपी कीजिए सब। यूनिट वेक्टर के बारे में चर्चा चला था ना बहुत कुछ, अभी जस्ट बताया था, याद है ना? कुछ देर पहले ही बताया था यूनिट वेक्टर क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ये क्या काम करता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो क्या करो, उस वेक्टर को उस कोई मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस समझ में आया? तो एक कन्वेंशन अडॉप्ट करा गया है, क्या कन्वेंशन अडॉप्ट करा गया है, याद रखिएगा इस चीज को, एक कन्वेंशन अडॉप्ट करा गया है कि अगर ए हम मान लेते हैं हम लोग ऐसे, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ऐसे, तो एक कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया गया है। क्या कन्वेंशन अडॉप्ट करा गया है देखिएगा जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस ये नहीं ना है, हम लोग इसको एक्स एक्सिस माने हैं ना, क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोगों ने माना है आई कैप, क्या माना है प्योरली साइन कन्वेंशन है, मान लिया गया, ऐसे नहीं कि आई डिराइव करा गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जो माने हैं हम लोगों को कौन सा है बाबू, जे कैप, क्या है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जो कंसिडर करा हूं मैं वो कौन सा कैप है ए कैप, तो प्रॉब्लम याद रखना, आई कैप क्या रहा यहाँ पे कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है बाबू यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक्स एक्सिस इधर आ रहा है तो उधर वाई एक्सिस जा रहा होगा, सॉरी एक्स एक्सिस इधर आया तो एक्स डैश उधर जा रहा होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव लेना, नेगेटिव वो वेक्टर का मतलब हेड टेल पे आ गया, टेल हेड पे आ गया। अगर कभी भी कोई चर्चा करे कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बताइए, एक वेक्टर के पास हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट से ए से बी की तरफ गया ऐसे, ये कौन सा वेक्टर है ए बी, अब ए बी है और यहाँ पे ए है, लाइन सेगमेंट का लेंथ तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन कैप क्या होगा बदल जाएगा, क्या होगा कैप बदल गया, ए ए है और ये क्या है बी था, अब बताओ ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी ए वेक्टर हुआ कि नहीं, तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन रहा, एक दूसरे के अपोजिट रहा, ए बी वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट, जस्ट अपोजिट टू व्हाट
माइनस बी ए लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों के बीच कितना एंगल 180 डिग्री, अरे होगा ना, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। तो अगर एक्स एक्सिस इसके अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप माने हो, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा कैप है वो माइनस आई कैप। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा कैप माने हो जे कैप, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के लॉन्ग कौन सा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप माने हो, तो नेगेटिव डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन सा कैप माइनस के कैप। बात समझ में आता है, लगता नहीं समझा पाया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो आप समझिए जरा, यहां पे एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया था हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आप सोचिए जरा, ए वा ओ था, हम लोग इससे चले थे, कितना चले थे इधर, ए यूनिट चले हुए थे ऐसे, देख रहे हो कि नहीं, उसके बाद किधर चले हुए थे बाबू, बी यूनिट चले हुए थे, याद है ना, ए वाला ए यूनिट चले हुए थे, इधर कितना यूनिट चले थे बी, और उसके बाद क्या था ये देखो, बी यूनिट किधर चले हम लोग पता चल रहा है ना, और सी यूनिट किधर चला गया था, जेड एक्सिस। ए पॉइंट पी था, इसका क्या नाम था, ए कोमा बी कोमा सी था कि नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत? तो अगर हम लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब पैरेलल, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला और जेड एक्सिस के अलोंग कितना चला, तो उस पॉइंट का नाम क्या रहा, पी का नाम दिया हमने ए कोमा बी कोमा सी ना। तो अगर कभी कोई बोले व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, द पोजिशन वेक्टर, यहां मैं लिख रहा हूं याद रखना, द पोजिशन वेक्टर वेक्टर ऑफ पी, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये क्या होगा, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी, समझ रहे हो? तो ए जो ओपी वेक्टर रहा दैट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू, दिस व्हाट, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू पी, इज इट। तो इसको कैसे लिखेंगे ओपी वेक्टर को, देखो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक्स एक्सिस में कितना यूनिट चला था वो ए, तो हमने क्या लिखा ए आई कैप प्लस वाई एक्सिस का कितना यूनिट चला था, तो क्या लिखा हमने बी, और जेड एक्सिस के लिए कितना चला, तो क्या हो गया, यही क्या होगा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, बात समझ में आया। अगर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं पी थ्री कोमा फोर कोमा फाइव, व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत है, पोजिशन वेक्टर पता चला इसमें, कोई शक? अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी लिखना हो, अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, ओपी बताइए, ओपी का जो लेंथ है वही ना होगा मैग्नीट्यूड जी, अभी आप जस्ट देखे कि नहीं वो क्या हो गया बताइए, ए वाला ए है ये बी है, तो ए वाला डिस्टेंस जो होगा ए वाला वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जस्ट बताया थे अभी आप लोग को, याद है ना, ए वाला डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था बाबू, और ए वाला क्या था सी स्क्वायर, ए सी था। तो अगर ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, तो प्रॉब्लम ये क्या रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी रहा कि नहीं, मतलब क्या रहा, इसका लेंथ रहा कि नहीं रहा, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर कोई बोलता व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, अलोंग ओपी, तो आप आराम से लिख देते कि नहीं, क्या लिखते बाबू, ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर को ऐसे ही नहीं लिखते हम लोग, ओपी कैप दैट इज ओपी वेक्टर अपॉन व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड, इज इट। ओपी वेक्टर क्या है बताइए, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस व्हाट सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होता कि नहीं, कोई दिक्कत?
तो इसको अगर आप फर्दर लिखना चाहें बड़ा दिखाने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते, हालांकि वही चीज है, लेकिन कभी बड़ा दिखेगा, कभी एक्सप्रेशन दे देगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन सा कैप, आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन सा कैप, जे कैप प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन सा कैप बाबू, जे कैप होगा कि नहीं, लगता है नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, अगर बोल देता फाइंड अ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग ओपी हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, तो क्या करते आप, इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देते कि नहीं, और ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर समझ में आया, मैग्नीट्यूड समझ में आया, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी समझ में आया, कॉपी करो। कोई आपसे बोला राइट फाइव डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो बताइए मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट की नहीं जी, तो बताइए तो जरा, पहला कोई वेक्टर ले लिया ए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, दूसरा वेक्टर ले लिया क्या, माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, बताओ दोनों अलग अलग वेक्टर है कि नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, केवल क्या चाहिए आपका, वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स जो होना चाहिए वो एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, अगर सी वेक्टर लो, कोई भी सी वेक्टर लिख सकते हो, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, बताओ सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना बाबू, ऐसे और कोई वेक्टर डी ले लिया, मान लेता हूँ ले लो 5i कैप माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बताइए सारे वेक्टर्स क्या है, डिफरेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, जैसे अगर कोई पूछ दिया जाए, बता रहे ध्यान रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जी, सारे वेक्टर्स क्या है, डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है कि नहीं, ये सब क्या है, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, बट व्हाट, डिफरेंट डायरेक्शन, कोई वेक्टर जैसे लिखे थे ओपी वेक्टर हमें लिखा था, क्या था बाबू बताइए, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस व्हाट, सी के कैप, तो हम लोग को किस पे ध्यान देना है, स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ओपी क्या था बताइए, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओपी वो क्या क्या है बताइए, ए कोमा बी कोमा सी, ऑल दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स और नॉट, व्हाट अबाउट वेक्टर कंपोनेंट्स, व्हाट अबाउट वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट ओपी, क्या हो जाएगा बताइए, ए आई कैप कोमा बीजे कैप कोमा सी के कैप है कि नहीं, तो याद करो स्केलर कंपोनेंट से ही ना लेना देना है मैग्नीट्यूड को जी, मैग्नीट्यूड को स्केलर कंपोनेंट से लेना देना है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंदर में स्क्वायर ही ना है, बात समझ में आया, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम, अच्छा अगर कोई बोलेगा आपको राइट, देखो ये हो गया क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया, अगर कोई बोले आपको जस्ट यू हैव टू राइट डाउन फाइव डिफरेंट वेक्टर्स, राइट डाउन फाइव डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट यूनिक डायरेक्शन, बट व्हाट, यूनिक डायरेक्शन, क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन फाइव डिफरेंट वेक्टर्स, राइट डाउन फाइव डिफरेंट वेक्टर्स having unique direction, direction क्या होना चाहिए, unique होना चाहिए, कोई एक vector consider कर लूँ, कोई एक vector consider कर लेता हूँ, vector भी मान लेता हूँ, vector क्या है, 3i cap plus 4j cap plus 5k cap ले लिया, clear है, अब इसके अलावा क्या करना है हम लोगों को consider, इसी के अलावा ना बहुत सारे vectors लिखना है, तो आप इसके अलावा unit vector निकाल लीजिए, एक cap, तो ए कैप जब निकालिएगा तो क्या हो गया, ए कैप बताइए, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ व्हाट, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं बाबू, तो बताइए क्या हो गया, बताइए 3 बाय 5 रूट 2, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 25 प्लस 25 50 हुआ 5 रूट 2, तो 3 बाय 5 रूट 2 i कैप प्लस 4 बाई
फाइव रूट टू जे कैप प्लस फाइव अपॉन फाइव रूट टू के कैप, बाद में फाइव काटो वो अलग चीज है, यही ना रहा, दिस इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टली अलोंग दैट वेक्टर और नॉट। अब डायरेक्शन तो दे दिया ना, ऐसा बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर्स लिख सकते हैं कि नहीं, रिक्वायर्ड वेक्टर्स आप तैयार कर लो, केवल मैग्नीट्यूड को अल्टर करते रहो। रिक्वायर्ड वेक्टर्स हमने क्या किया, पहला टेन ए कैप लिख सकता हूं कि नहीं, ए कैप के लिए डायरेक्शन तो वही रहा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, टेन यूनिट हो गया। सिक्स टाइम्स ए कैप, टू टाइम्स ए कैप, थ्री टाइम्स ए कैप, सारे क्या है डिफरेंट वेक्टर्स है लेकिन डायरेक्शन क्या है यूनिक। सिक्स ए कैप लिखिए तो सिक्स इंटू जो भी है ये वाला नंबर लिख लोगे ना जो टर्म है, यहाँ क्या सॉरी टेन है ना, ये टेन था तो टेन लिख लिया, यहाँ सिक्स था तो बाद बाकी सारा लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा। अरे बाबू समझ में आया, ए क्या है टू है तो लिख लोगे सारा कि नहीं लिख लोगे, ऐसे थ्री है कोई दिक्कत है इसमें, कर लोगे ना ऐसा, बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। तो अगर कभी भी आपसे बोले कि जस्ट यू हैव टू राइट फाइव डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो आप एक कोई वेक्टर उठाओ उसका स्केलर कंपोनेंट्स को इधर उधर करते रहो, पता है ना चला। अगर कोई बोले कभी भी कि जस्ट राइट डाउन फाइव डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग यूनिक डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो किसी कोई भी एक वेक्टर कंसिडर को उसके लिए यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसमें मल्टीप्लाई करते रहो नंबर्स, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। समझा पाया मैं, समझा आप लोगों को, गुड वेरी गुड, कॉपी कीजिए। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। पता चल गया ना बाबू, ये क्या है आपका बताइए, ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है और ये क्या है जेड है ना, क्या बोला गया आपको माइनस एक्स स्क्वायर क्या, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी व्हाट 10 यूनिट बोला है ना, 10 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या होगा यूनिट वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, तो क्या हो गया माइनस 10 आई कैप। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो प्रॉब्लम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी 3, 5, 2 फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी 3, 5, 2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए हेंस फाइंड अ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग दिस वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग दिस वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग दिस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 12 यूनिट, हैविंग मैग्नीट्यूड 12 यूनिट। क्या करोगे, पहले इसका पोजिशन वेक्टर निकालना है, तो याद करो इसका पोजिशन वेक्टर लिखने के लिए सिखलाया गया ना ओपी जी बाबू, ओपी क्या हो जाएगा 3i कैप + 5j कैप + 2k कैप, ये कौन सा वेक्टर है ओपी, यही ना ओपी वेक्टर हो गया। तो इसके लोग पहला निकालना, इसी के लोग वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 यूनिट, तो आप क्या कीजिएगा सबसे पहले इसके लोग क्या निकालिएगा यूनिट वेक्टर, ओपी कैप निकालिएगा, तो ओपी कैप क्या है यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ओपी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, ओपी कैप कितना है जी बाबू 3i कैप + 5j कैप + क्या हो गया 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट 3 का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ गया 3i कैप + 5j कैप + 2k कैप अंडर रूट में अगर लिखिएगा तो क्या होगा बाबू 29 ना, नहीं नहीं 9 38 होगा ना, 38 हुआ कि नहीं। तो अब जो पूछा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसी के अलोंग डायरेक्टेड हो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू
यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड ना हो गया लेकिन यूनिक डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन। तो जो आपसे रिक्वायर्ड वेक्टर पूछा गया था आप आराम से बता दोगे कि नहीं, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी व्हाट बताइए बाबू? 12 यूनिट बोला था, 12 टाइम्स ओपी वेक्टर, 12 इनटू ओपी वेक्टर जो है वो लिख लेंगे जो आया है। क्या है? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में अंडर रूट 30। फर्दर यू कैन, बात समझ में आया? इस तरह का कोई दिक्कत है इसमें? समझ आया आप लोगों को? ये वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए ये सब में कोई दिक्कत नहीं ना है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए फिर क्लोज करते हैं लेक्चर को ना, आज का लेक्चर यहीं तक। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी 7,3,5 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। सेकेंड लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन इसी में, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, यही वैल्यू है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। थर्ड लिखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। लिख लिए, लिखिए, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर जस्ट अपोजिट टू, जस्ट अपोजिट टू द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, with respect to origin having magnitude 12 unit, having magnitude 12 unit, is it? Likhiye next, write down five different vectors, write down five different vectors having magnitude, having magnitude equal to position vector of P with respect to origin, with respect to origin, is it? लिखिए बाबू, लिखिए, write down three different vectors, write down three different vectors having direction along, along position vector of P with respect to origin, along position vector of P with respect to origin। position vector जब भी बोले तो उतना नहीं लिखते रहिए, डायरेक्ट लिख लीजिए P भी ना, position vector क्या हो गया ये? Can I stop right now?